हेलो दोस्तों, मेरे तो सही और आप देख रहे हैं बिली फॉर यू। और आज मेरे पास है MI Xiaomi का वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर, जो कि एक पोर्टेबल काफ़ी छोटा सा काफ़ी अट्रैक्टिव सा स्पीकर है। और ये मेरे पास आया है बैंगन इंटरनेशनल शॉपिंग साइट से। बैंगन नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि बैंगन एक काफ़ी ट्रस्टेड इंटरनेशनल साइट है, जिससे आप कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हैं। वो हर जगह प्रोडक्ट डिलीवर करती है। वहाँ पे स्पेशली आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट काफ़ी चीप और यू नो काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। शिपिंग कॉस्ट वगैरह भी दूसरे दूसरे शॉपिंग साइट से काफ़ी कम होता है। वो हर जगह सामान डिलीवर करती है, स्पेशली अगर हम लोग बात करें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और उसके बाद UAE, सऊदी अरबिया, हर जगह जो है वो प्रोडक्ट डिलीवर करती है। तो आप बेझिझक होकर के सामान खरीद सकते हैं शॉपिंग साइट से। अगर आपको ज़्यादा जानना है शॉपिंग इंटरनेशनल शॉपिंग के बारे में कि क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से ये काम करता है, कौन कौन से ट्रस्टेड वेबसाइट है, तो टेक्निकल गुरु जी की एक वीडियो है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ उसकी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि एक्चुअल में शॉपिंग साइट ट्रस्टेड होता है कि नहीं होता है, हमें शॉपिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ट्रस्टेड वेबसाइट के बारे में बताया, उसमें उन्होंने बैंगन के बारे में बताया। तो आप शॉपिंग कर सकते हैं अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आता है, या फिर कोई भी प्रोडक्ट वहाँ पे अगर आपको पसंद आता है तो आप बेफिक्र होकर के बगैर टेंशन ले जो है आप खरीद सकते हैं। ये प्रोडक्ट मेरे पास डिलीवर्ड हुआ है अप्रॉक्स 20 डेज में, और मुझे कोई भी एक्स्ट्रा कस्टम चार्जेस वगैरह जो है वो पे नहीं करना पड़ा है, कोई भी परेशानी नहीं हुई है, मेरे पास डायरेक्टली जो है वो घर पर आ गया। तो खैर चलिए, आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ इसका। काफ़ी अट्रैक्टिव सा है, इसके बहुत सारे कलर आते हैं मेरे पास। आई थिंक ये वाइट वेरिएंट है और इसके तीन और कलर आते हैं, वाइट, सिल्वर एंड ग्रीन। तो चलिए मैं इसका अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा ओवरव्यू भी हम लोग देख लेंगे क्वालिटी वगैरह। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बॉक्स को हम लोग, बॉक्स में टॉप के ऊपर आपको स्पीकर की होल का जो पैटर्न है वो आपको मिल जाता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में देखा है तो कहा गया कि ये टोटल जो है वो 1100 से ज़्यादा होल्स हैं। और उसके बाद साइड में आपको जो है ब्रांडिंग मिल जाती है MI की, और बैक साइड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें चाइनीज़ में लिखी हुई हैं, तो मुझे जितना समझ में आ रहा है कि ये है मॉडल नंबर सबसे पहला जो है। उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है 5 वोल्ट 1 एम्पियर, और उसके बाद यहाँ पे बैटरी का पावर है 1000 mAh। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ब्लूटूथ 2.1 प्लस EDR टेक्नोलॉजी के साथ है, और कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, एंड ये बार कोड एंड और सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको बैक साइड में यहाँ पे नीचे की तरफ आपको मिल जाता है ये यहाँ पे बार कोड, और यहाँ पे कुछ नंबरिंग है, एंड ये वाइट, मतलब ये वाइट वेरिएंट है, वाइट कलर का जो है ये स्पीकर है। तो चलिए फाइनली हम लोग जो है अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं। मेरे पास ये नाइफ है, स्पेशली मैंने जो है अनबॉक्सिंग के लिए ख़रीदा है, मतलब ये कि अब अनबॉक्सिंग की वीडियोस वगैरह जो है आने वाली है। तो आई थिंक ये सिंपल जो है पैकेजिंग की हुई है, प्लास्टिक है। ओके, रेडी गो। सेम पैटर्न जो है बॉक्स के ऊपर आपको दिया गया है। ओके, तो फाइनली ये है आपका स्पीकर, काफी अट्रैक्टिव सा लग रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। चलिए निकाल करके देख लेते हैं बॉक्स में ही कितना देखेंगे। तो ये है आपका स्पीकर, एंड उसके बाद इसमें आपको मिलता है एक यूज़र मैनुअल। आई थिंक सारी चीज़ें चाइनीज़ में हैं यार, इंग्लिश वालों के लिए भी कुछ छोड़ देते, कुछ नहीं है मतलब मेरे काम का। बार कोड वगैरह यहाँ पे दिया गया है। खैर, तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको अगर चाइनीज़ आती है तो आप पढ़ सकते हो। खैर, इसे भी हम लोग साइड कर देते हैं, और अब देखते हैं हम लोग स्पेशली स्पीकर को। ओह, ये एक्चुअली काफ़ी ग्रिपी है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है ग्रिप मिल जाता है ताकि ये स्लिप ना कर सके, आपको उठाने में थोड़ा सा पता चलेगा ये। वाओ, तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी फिनिशिंग जो है वो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है माइक्रो USB पोर्ट, और ये जो है इंडिकेटर है जो कि अभी ऑन नहीं है। और बैक साइड में वैसे ही बहुत सारी चीज़ें चाइनीज़ में, यार कुछ तो इंग्लिश में लिखते हैं। और यहाँ पे ब्लूटूथ, और ये आई थिंक जो है ये ऑन ऑफ बटन है। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट बना है एक्चुअली मैंने इसके बारे में देखा है, तो ये एल्युमिनियम एलॉय है, ये जो मटेरियल है ये आपका।
तो काफी अच्छा, देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है ना। हम लोग परफॉर्मेंस भी देख लेंगे आगे रिव्यू में। तो ये आपका फाइनली प्रोडक्ट है, मुझे काफी देखने में अच्छा लग रहा है, काफी पोर्टेबल है, कहीं पे भी अगर हम लोग निकालते हैं तो ये काफी अच्छा लगेगा देखने में। बैक साइड में आपके पास सिंपल एक बटन है, चलिए हम लोग उसे प्रेस करके देख लेते हैं। सिंपली अगर हम लोग इसे दबाते हैं, ओके, यहाँ पे एक फिजिकल बटन है और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट ब्लिंक करना शुरू कर गया है ना। तो अभी ये पेयरिंग मोड में है, आप इसे पेयर करके जो है देख सकते हैं अपने मोबाइल में बजा सकते हैं, ये देख रहे हैं। जब ये फाइनली पेयर हो जाएगा तब ये ग्रीन बटन जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कंपनी ने कहा है कि ये 5 घंटे तक जो है वो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आप इसे बजा सकते हैं। फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। चलिए मैं आपको अपने मोबाइल से पेयर करके और इससे इसका थोड़ा सा साउंड जो है वो मैं आपको सुना देता हूँ। तो हमारा जो ब्लूटूथ है वो अभी ऑन है, आपको सिंपली यहाँ पे अंदर में जो है फिज़िकल बटन, मुझे लगा था ये टच है, सेंसिटिव होगा, बट ये फिज़िकल बटन है और ये आप देख सकते हैं इंडिकेटर जो है वो ब्लिंक कर रहा है। तो चलिए मैं अपने मोबाइल को जो है यहाँ से मैं गाना एप्लीकेशन मैं ओपन करूँगा और यहाँ से रोमांस कोई भी एक सॉन्ग हम लोग प्ले कर लेते हैं। यहाँ पे पहले तो हम लोगों को ब्लूटूथ से कनेक्ट करना होगा, तो यहाँ से हम ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे चाइनीज में ही आ रहा है, तो सिंपली मैं इसके ऊपर टैप करूँगा ऑन पेयरिंग। ओके, ये हमारा पेयर हो गया। चलिए हम लोग जो है एक सॉन्ग प्ले करके देख लेते हैं। तो साउंड काफ़ी अच्छा है और बेस भी जो है मुझे लग रहा था कि कम होगा, बट बेस भी जो है वो काफ़ी अच्छा है आपके पास। और ये फुल साउंड आप देख सकते हैं, फुल साउंड इतना है तो काफ़ी अच्छी बात है। तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा इस स्पीकर के बारे में। वैसे हम जो है डिटेल्स में और रिव्यू लेकर के आएंगे इसका कि क्या है, साउंड क्वालिटी कैसी है और जब ज़्यादा देर मैंने यूज़ किया तो क्या हालत रही इसकी, बैटरी बैकअप कैसा है, चार्ज कितनी देर में होता है और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो है वो देखेंगे कि बेस कैसा है या फिर और सारी चीज़ें। ओके, तो ये था फाइनली Xiaomi के वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर का अनबॉक्सिंग। अगर आप इस स्पीकर को ख़रीदना चाहते हैं तो आपको Banggood इंटरनेशनल शॉपिंग साइट की जो है वो लिंक मिल जाएगी, आप उस शॉपिंग साइट से जाकर के बहुत ही ट्रस्टेड वे में इस प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक 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 एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। खैर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।